बेटियां कितनी प्यारी होती है ना बेटियां, पापा की परी तो मम्मी की राजकुमारी होती है ना बेटियां, दादाजी की नर्स तो दादी जी की असिस्टेंट होती है ना बेटियां। बेटियां कितनी प्यारी होती है ना बेटियां, कभी कल्पना चावला तो कभी प्रतिभा पाटिल होती है ना बेटियां, पापा के दिल का टुकड़ा तो मम्मी के दिल की धड़कन होती है ना बेटियां। बेटियां कितनी प्यारी होती है ना बेटियां। अरे रुको रुको रुको, बस यहीं तक था ये सब, अब होगी असली शुरुआत। खैर आज आ ही गया वो दिन जब बिटिया को देखने वाले आए, एक नजर देखते ही पापा मम्मी के दिल में 500 ख्याल आए। आज पहली बार लगा कि जिस बिटिया को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, अब वो चलकर किसी और के घर चली जाएगी। जिस बिटिया को कंधे पर बिठाकर गांव घुमाया, अब वो डोली में बैठकर किसी और गांव चली जाएगी। सबके सामने फेस पर स्माइल, तो अंदर ही अंदर बहुत रोया कि न जाने अब बिटिया रानी कब लौट कर आएगी। बेटियां कितनी प्यारी होती है ना बेटियां। अब आती है बात लेने देने की, थोड़ा दिल थाम कर बैठिए जनाब, क्योंकि ये लेना देना कोई आम लेना देना नहीं है। ये लेन देन सिर्फ एक बेटी के पिता से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अब तक की कमाई पढ़ाने में लगा दी और अब आई बिटिया को दहेज देने की बारी। किसी पिता ने अपनी जिंदगी की बचत लगाई तो किसी ने अपने हिस्से की जमीन गवाई, किसी ने नौकरी से रिटायरमेंट ही ले लिया, किसी ने माँ का जेवर गिरवी रख दिया, किसी ने बैंक से लोन ले लिया तो किसी ने साहूकार से उधार ले लिया। बहुत किया एक पिता ने अपनी बिटिया के लिए, पर अब भी ससुराल से नित नई डिमांड आई। बहुत बार नीचा देखा और तिरस्कृत भी हुआ, पर आखिर में बेटी बिना घर भी खाली और जेब भी खाली। बेटियां कितनी प्यारी होती है ना बेटियां।